अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर और आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है रीनल स्टोन यानी कि गुर्दे की पत्थरियां। दोस्तों, इसमें आज हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले है कि गुर्दे की पत्थरी की क्या वजूहात होती है। तो एक तो अगर हमारा यूरिन वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड हो जाता है यानी कि उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, पानी की मिकदार उसमें कम होती है और जो उसमें सॉल्यूट्स हैं और बाकी जो मिनरल्स हैं वो साल्ट्स हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ये जो साल्ट्स होते हैं, ये जो मिनरल्स होते हैं, ये अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं यानी इकट्ठे होना शुरू होकर ये पत्थरी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो क्या फैक्टर हैं जो इस कंसेंट्रेशन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं? तो उसमें यह है कि एक तो डिक्रीज्ड इनपुट ऑफ वाटर यानी कि अगर हम पानी कम लेते हैं तो उस ये एक मेजर वजह है कि फ्लूड इनटेक यानी कि पानी की मिकदार मशरूबात वगैरह कम लेने से ये एक पहली वजह होगी। दूसरी है कि अगर हम ये जो सॉल्यूट्स हैं इनकी मिकदार ज्यादा ले रहे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट से स्टोन बनते हैं तो ऑक्सलेट को हम ज्यादा ले रहे हैं, या फिर अगर यूरिक एसिड से स्टोन बन रहे हैं, यूरिक एसिड के स्टोन यूरिक एसिड वाली डाइट हम ज्यादा ले रहे हैं, या साल्ट जैसे नमक का इस्तेमाल हम ज्यादा कर रहे हैं, तो ये एक दूसरी मेजर वजह हो गई। इसके साथ आगे हम डिस्कस करेंगे कि एक वजह है कि ये स्टोन जो कंसेंट्रेशन बढ़ती है, स्टोन फॉर्मेशन होती है, तो इसको तोड़ने वाले कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे सिट्रेट होता है। अगर हम सिट्रेट का इंटेक कम कर रहे हैं तो ये भी एक मेजर वजह है कि स्टोन फॉर्मेशन जो है ना वो हो जाती है। ये थी वजूहात। इसके साथ एक जो मेजर चीज है वो ये है कि कैल्शियम ऑक्सलेट के जो स्टोन हैं, कुछ लोग कैल्शियम का इंटेक कम लेते हैं तो उनमें ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं यानी कि अगर वो कैल्शियम लेंगे और उनकी बॉडी में जो ऑक्सलेट है वो उनका फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा तो स्टोन बनने के चांस कम हो गए। वो कैल्शियम नहीं लेंगे तो ऑक्सलेट जो उन्होंने लिया है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो यूरिन के रास्ते निकलेगा तो वो यूरिन में उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, ऑक्सलेट की किडनी के अंदर ऑक्सलेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो इससे स्टोन बनेगा जो कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन। फर्दर हम इसमें आगे जाए तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं? किडनी स्टोन साइलेंट भी हो सकते हैं यानी कि किसी के किडनी स्टोन है उसको बिल्कुल पेन नहीं आ रहा, इसको साइलेंट स्टोन्स कहते हैं। किडनी में पेन, डल एक पेन होती है, एक पेन होती है जो लंबर एरिया में होती है। लंबर एरिया में पेन, डल पेन हो सकती है, माइल्ड पेन हो सकती है, स्वियर पेन भी हो सकती है, इसमें लंबर एरिया में पेन हो सकती है। पेन लोअर टू ग्रोइन यानी कि यहाँ पीछे से दर्द शुरू होगी वो आगे को आएगी, वो नीचे की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसके साथ साथ किडनी स्टोन के साथ लोगों को नौजिया और वॉमिटिंग यानी कि उल्टी, कैम, मतली का आना या स्टमक का खराब हो जाना, मैदा खराब हो जाता है, ये वाले प्रॉब्लम्स भी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो न्यूक्लियस होता है जिसके पेन के रिसेप्टर जिसमें से किडनी के जाते हैं, स्टमक के रिसेप्टर्स भी उसी न्यूक्लियस में से गुजर होते हैं, उसे ऑनिक्स कहते हैं। तो इसमें से होता ही है कि जब किडनी की पेन होती है तो सेम न्यूक्लियस से नर्व सप्लाई जा रही है तो स्टमक भी डिस्टर्ब हो जाता है और इन पेशेंट्स को नौजिया, वोमिटिंग, ये सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। और अगर किडनी, दोनों किडनी में स्टोन है और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो यूरिनरी वाले सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं जो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने से होते हैं। ये जो है ना इमरजेंसी कंडीशन में प्रॉब्लम्स होती है। ये थी हमारी सिम्टम्स जो रीनल स्टोन्स में होती हैं। आगे फर्दर हम चलेंगे कि हम इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं। दोस्तों, जो तो छोटे स्टोन होते हैं जैसे 4 mm, 5 mm, उनका कुछ भी नहीं करना होता, उसको एज इट छोड़ दिया जाए, कोई मसला नहीं। उसमें हम जो टेस्ट करवाने होते हैं वो है कि यूरिक एसिड हम टेस्ट करवा लेते हैं ताकि पता चले यूरिक एसिड का स्टोन तो नहीं है, और उसमें हम क्रिएटिनिन लेवल करवाते हैं, देखते हैं कि स्टोन स्टक हो के उसने क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा दिया पेशेंट का, या पेशेंट की किडनी का स्टेटस क्या है, किडनी फेल तो नहीं हो रही। इसके अलावा यूरिन का
यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करवाते हैं। यूरिन के टेस्ट में बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, जिसमें हम पीएच चेक करते हैं। देखिए, अगर पीएच जो है पेशेंट की बहुत कम है, यानी कि वो एसिडिक है, एजाबी यूरिन है, तो उस वो एक मेजर काज है एक स्टोन फॉर्मेशन का। हम उसकी यूरिन को उसकी एसिडिटी कम करते हैं, अल्कलाइंस देते हैं, जिससे उसकी यूरिन की एसिडिटी कम हो जाए। तो कुछ स्टोन ऐसे भी होते हैं जो पीएच बहुत ज़्यादा हो, यानी कि अल्कलाइन पीएच हो, तो उसमें बनते हैं, उसको मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट स्टोन कहते हैं। इस तरह के स्टोन्स में हमने यूरिन को एसिडिफाई करना होता है, यानी कि एसिड वाली चीज़ें देनी होती हैं जिसमें यूरिन एसिडिक हो जाए। तो ये बहुत रेयर है और एक स्टोन टाइप में होता है, बाकी मोस्टली स्टोन जो है वो कम पीएच में ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। और अगर ट्रीटमेंट पे हमारी बात हो रही थी, अगर स्टोन का साइज जो है वो बड़ा है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो इस स्टोन को और किडनी के अंदर स्टोन पड़ा हुआ है, तो इस स्टोन के लिए हम ESWL करते हैं, यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक में लिथोट्रिप्सी, यानी बाहर से श्वाई लगा के पत्थरी को तोड़ देंगे। और इसके साथ फर्दर अगर हम जाए कि अगर इससे बड़ा स्टोन हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम इसके लिए ऑपरेट करते हैं, इसको हम पाइलोलिथोटमी कहते हैं। उसमें कट लगाते हैं, कट लगा के हम किडनी के अंदर से स्टोन निकाल देते हैं। और इसमें रीसेंट एडवांसेस है, यानी कि जदीद तरीका इलाज है, जिसको PCNL कहते हैं, यानी पर्कुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। इसमें हम ये करते हैं, बहुत मन्यूट सा छोटा सा एक्सरा करते हैं जो 1 सेंटीमीटर तक होता है, उसमें से हम कैमराज की मदद से और फ्लोरोस्कोपी एक्सरेज की मदद से हम किडनी तक अप्रोच करते हैं, किडनी में स्टोन में पहुँच जाते हैं। स्टोन में जब हम पहुँच जाते हैं तो स्टोन को हम रेजा रेजा करके, लिथोट्रिप्सी हमारे पास होती है या लेजर होती है, उसके साथ हम रेजा रेजा करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके निकाल देते हैं। ये था जदीद तरीका है। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो स्टोन के ऊपर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और आप किसी भी दोस्त को अजीजों कारण में से स्टोन बनते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज उन तक शेयर हो। और अगर आप हमारा चैनल पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।